वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कौशल। वी एक्सेल विद योर सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी डू हेयर, वी मेक इकोनॉमिक्स इन अ कंसेप्चुअल एंड जर्नलाइज्ड वे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ICRF, JRF, SRF, BHU, AFO, AO, UGC, AO, ADO, etc. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। माई सेल्फ दिनेश, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज अ JRF कैंडिडेट इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एंड ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड माई UGC नेट टू। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। टूडे वी आर गोइंग टू कवर द मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट टू, चैप्टर 5। सो इफ यू हैव नॉट सीन द मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1, प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज मैनी कंसेप्ट आर हेयर आर टेकन फ्रॉम देयर ओनली। सो प्लीज गो थ्रू इट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मोनोपोली। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली बाय मोनोपोली? सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द वर्ड। मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स मैनी। व्हाट इज सिंगल, व्हाट इज मैनी? सिंगल इज सेलर्स, पोली मीन्स मैनी, मैनी आर बायर्स। सो वन सिंगल एंड वन सिंगल सेलर प्लस मैनी बायर्स इन अ मार्केट मेक्स द मोनोपोली स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या दोस्तों, एक मार्केट में एक ही सेलर एग्जिस्ट करेगा या एक ही फर्म एग्जिस्ट करेगा, वही वहाँ का राजा होगा। जंगल में सिंगल शेर। ओके, तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों, मोनोपोली होते हैं जो मोनोपोली हो और परफेक्ट कंडीशन हो। ये परफेक्ट मार्केट, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। तो दोस्तों, ये जो एक्सट्रीम होता है वो ही रेयर भी होता है, ठीक है। बिकॉज कंपटीटर कहाँ पे नहीं है, मोनोपोली होगा या कोई भी मार्केट होगा, आप वहाँ पे अपने कंपटीशन को पाओगे। ओके, तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री, एंड देयरफॉर डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। मीन्स एक ही सेलर है, ठीक है दोस्तों, वही फर्म की तरह काम करेगा, वही इंडस्ट्री की तरह काम करेगा। तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ठीक है। आप उसको फर्म बोल लो, वही आपको इंडस्ट्री बोल लो, और उसका डिमांड करवाओगे वही मार्केट डिमांड करोगा। कैसे? क्योंकि मार्केट में वही एक सिंगल सेलर है। ओके, मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। क्यों ना हो गई प्राइस मेकर? बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। वो जंगल में सिंगल सेलर है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, प्राइस को ऊपर भी कर सकते हैं, प्राइस को नीचे भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो डिमांड सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है। ओके दोस्तों, सो बेसिकली इन मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। उसके बाद आते हैं फीचर्स। फीचर्स में दोस्तों आप क्या करोगे, आप पिछले वाले जो पॉइंट है ना, उसी का रिवीजन करोगे थोड़ा डिटेल्ड में, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर्स एंड मैनी बायर्स, बता चुका हूँ आपको। फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। फर्म को आप इंडस्ट्री बोल दो, इंडस्ट्री को आप फर्म बोल दो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ही इज द ओनली वन सोल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। सो फ्रॉम द क्वेश्चन आइज, देन फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूट कम? नो वेयर, ठीक है। सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, क्योंकि भाई जंगल का राजा वही, मार्केट का राजा वही। सो क्या करेगा दोस्तों, प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल रखेगा अपना, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एंड सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोनोपोली। उसके बाद बैरियर्स टू एंट्री। आप सोचोगे दोस्तों कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि कोई भी आओ मार्केट में, कोई भी जाओ मार्केट में, किसी को कोई चक्कर नहीं है, किसी को कोई पंगा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस, दे आर प्राइस टेकर्स, ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री मतलब क्या हो गया, मतलब मोनोपोली में होता है दोस्तों, नए सेलर होते हैं ना, उनको बैरियर्स मिलते हैं, मतलब उनको ना रोकता है मोनोपोलिस, बिकॉज इफ दे विल कम इन देयर मार्केट द कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो हाउ मोनोपोलिस डू इट, या तो वो क्या कर लेगा दोस्तों, पेटेंट कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, इतने लेस एवरेज कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेगा कि कोई और इंडस्ट्री ही ना प्रोड्यूस कर पाए, कोई और सेलर ही ना प्रोड्यूस कर पाए। तो वो क्या होगा, नए सेलर्स के लिए वहाँ पे बैरियर्स क्रिएट कर दिया उसने। ओके, परफेक्ट नॉलेज बेसिकली होता है कि अगर आप परफेक्ट मार्केट में जाओ तो वहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, कि भाई बायर्स एंड सेलर्स है, बोथ है परफेक्ट नॉलेज, बट हेयर द सेलर, ओनली द सेलर, ओनली द मोनोपोलिस्ट हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। ही नोज अबाउट द क्या बोलते हैं, एवरी इच एंड एवरी वेन ऑफ द मार्केट, नस नस से वाकिफ होते हैं दोस्तों, इसलिए तो प्राइस मेक कर सकते हैं, प्राइस ब्रेक भी कर सकते हैं, उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये यहाँ पे दोस्तों आप दो तीन पॉइंट हैं जो आपको अलग से लगेंगे। यहाँ पे एक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे क्या है दोस्तों, मोनोपोलिस्ट होता है ना, वो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को बेचेगा ना, उनके लिए अलग अलग प्राइस लगाएगा। तो यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ही हैज डिस्क्रिमिनेटेड द प्राइस फॉर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है।
और यही है यहाँ का एक इसका स्पेसिफिक फीचर होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है। ओके देन आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैं तो चार बता चुका हूँ आपको। देन आते हैं नो सप्लाई करो, नो सप्लाई करो कैसे, बिकॉज ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्यों भाई, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग प्राइस पे इसको बेच रहा है, ही सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। सो द क्वेश्चन आइज सप्लाई क्या बोलती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब यहाँ पे तो प्राइस का कौन से प्राइस डूम है भाई, किसके ऊपर सप्लाई कर रहे तुम। सो इनडिटरमिनेट सप्लाई कर्व और नो सप्लाई कर्व एग्जिस्ट इन फॉर द मोनोपोली। ओके उसके बाद दोस्तों अब हो गया भाई मोनोपोली करेक्टिक हो गए। अब आते हैं दोस्तों प्रॉफिट्स पे, प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है दोस्तों, सम आर फिक्स सम आर वेरिएबल। व्हाट आर फिक्स व्हाट आर वेरिएबल, दीज आर द फैक्टर्स। सो देयर इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू एंड मार्जिन कॉस्ट, इन सबको कंबाइन करके मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप पढ़ने वाले हो पिछली वीडियो का एक बेसिस से आप पढ़ पाओगे। ओके तो AR एवरेज रिवेन्यू होता है दोस्तों, वो होता है डिमांड करो। क्यों होते डिमांड करो, बिकॉज एज यू नो एज पर माई लास्ट वीडियो यू कैन से एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। तो प्राइस किसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को। सो प्राइस किसको इफेक्ट कर रहा है, एवरेज रिवेन्यू। तो सिमिलरिटी क्या आ गई, तो दोस्तों एवरेज रिवेन्यू इज ऑल्सो डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट। ओके डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट और द फर्म। ठीक है, और ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों अब आ गया ARMR। ठीक है, अब इसमें आगे भी हम क्या करें भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट दोस्तों। अब बोलोगे भाई रूल चेंज हो गया, समथिंग कंडीशन आर डिफर, तो इक्विलिब्रियम भी क्या डिफर होगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं दोस्तों, रूल इज द रूल। रूल क्या है दोस्तों कि MR जो मार्जिन रिवेन्यू है वो मार्जिन कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और जो मार्जिन रिवेन्यू को जो कट करेगी लाइन मार्जिन कॉस्ट, वो डाउन साइड से कट होने चाहिए। यही रूल है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, बिकॉज आफ्टर दिस मार्जिन कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, इफ ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस ही इज गेटिंग द लॉस इन देयर प्रॉफिट और ही इज गेटिंग लॉस इन द मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब बोलते हैं भी प्रॉफिट, प्रॉफिट टू और थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक हो गया, चल ठीक है हो गया। हाँ भाई थ्री कंडीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस। अब बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, आपको पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है पिछली वीडियो से जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं भाई यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है दोस्तों, हमने पिछली उसमें डिराइव किया था अभी QP-AC, ये रिलेशन होता है ना, इससे हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हमको देखना क्या होता है, P-AC मीन्स कौन ज़्यादा बड़ा है, प्राइस ज़्यादा बड़ा है या एवरेज कॉस्ट ज़्यादा बड़ी है, उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट और लॉस आपको मिलेगा या डिस्कवर होगा। ठीक है, अब चलेंगे AR इज मोर देन AC मीन्स प्राइस इज मोर देन AC। तो कैसे पता करेंगे, इन कर्व, कर्व में बोलते हैं दोस्तों कि पहले एक पॉइंट ढूंढो, ढूंढा भाई कहाँ पे, MC=MR कहाँ पे कट हुआ, N पे। सो N इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब N के क्रोसपॉन्डिंग हमको प्राइस चाहिएगा भाई इस पॉइंट पे, बेसिकली व्हाट द प्राइस द मोनोपोलिस्ट इज सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोसपॉन्डिंग आ गया AR कर्व पे चाहिए, क्योंकि AR कर्व प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो AR कर्व पे A पॉइंट पे हमको आ गया प्राइस, तो प्राइस आ गया यहाँ पे हमारा A पॉइंट पे P2। अब बोले हम कॉस्ट चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट, वी नीड एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट रिगार्ड क्रोसपॉन्डिंग टू A क्या होगा दोस्तों, B पॉइंट पे आपका जो भी है वो एवरेज कॉस्ट होगा ऑन द पॉइंट B। तो आप बोल रहे हो कि P ऊपर और एवरेज कॉस्ट नीचे, तो P2 ज्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से। सो आपको यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब उसका एरिया क्या होगा भाई, P1 P2 AB इज द एरिया ऑफ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो आपके पास आ गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपके पास आता है भी एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, मींस आवर प्राइस इज गोइंग टू कवर द एवरेज कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो उसको सस्टेन करने के लिए चाहिए मार्केट में, यानी कि एवरेज कॉस्ट को कवर करेगा। अब उसके लिए क्या होगा, पहले बात है इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो, ढूंढा भाई कहाँ पे, MR इक्वल्स टू MC, आंखें बंद, ठीक। उसके बाद सीधा फिर क्या हमने क्या किया, प्राइस और एवरेज कॉस्ट रह गया। अब देखेंगे प्राइस को, अब इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्राइस कहाँ पे मिल रहा है हमको, F पे क्या मिल रहा है हमको, प्राइस मिल रहा है P इज द प्राइस एट द F।
ओके अब सोचेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कहाँ है, इसी पे ही इसको टेंजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट जा रही है ना, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो एवरेज कॉस्ट की टेंजेंट है, तो एफ पे हमको एवरेज कॉस्ट भी मिल गई, यानी कि पी जो है वो ईसी के बराबर हो गया, यानी कि प्राइस एवरेज कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, तो यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। उसके बाद है द लॉस, लॉस में क्या होगा, पी माइनस ए सी का हमको रिलेशन देखना होता है, ठीक है। ए सी क्या हो गया, अब लॉस लॉस होना तो ये ज़्यादा होना चाहिए प्राइस से, तो वही चीज़ है। पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट किस पे, ई पे, एम सी इक्वल टू एम आर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे एवरेज रिवेन्यू पे। एवरेज रिवेन्यू पे हम देखेंगे प्राइस, प्राइस मिला हमको ए पे, ठीक है, ए पे हमको प्राइस मिला पी टू, ठीक है, पी टू इज प्राइस एज द ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप बोलिए हमको कॉस्ट चाहिए, वी नीड द कॉस्ट, वी नीड द कॉस्ट मटेरियल, सो दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। नाउ चेक द एवरेज कॉस्ट रिगार्डिंग पॉइंट ए, पॉइंट ए के रिगार्डिंग हमको कहाँ पे कॉस्ट मिली है, पॉइंट एट पॉइंट बी वी विल गेट द एवरेज कॉस्ट। सो यहाँ से क्या पता लगा कि एवरेज कॉस्ट है वो मोर देन पॉइंट टू है, तो ये जो पी है, पी माइनस ए सी का जो डिफरेंस है ना, ये हो गया नेगेटिव, सो पी माइनस ए डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो आपको लॉस है, हो गया। अब लॉस का एरिया क्या होगा, ए पी वन पी टू ए बी इज योर लॉस, इट इज द टोटल लॉस एरिया, ठीक है, ओके। अब इसका जो एरिया निकलेगा वही आपका लॉस होगा, कैसे निकालेंगे, लेंथ इन टू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, ठीक है, पी वन पी टू से आप पी टू ए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आपका लॉस वैल्यू आ जाएगा। अब बोला कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, यही चलने वाला है पूरी मार्केट में, ठीक है, प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में दोस्तों कब सर्वाइव करेगा, जब क्या दोस्तों, वो देखिए को थ्योरी ऑफ कॉस्ट वीडियो, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू इट, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एवरी कंसेप्ट इज इंटरकनेक्टेड और रिवीजन इज इसेंशियल, बिकॉज हम पिछले वाला भूलता जाएंगे आगे वाला कर रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है, यू कांट गेट अ रैंक, ओके। सो प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होगा दोस्तों, बेसिकली पहले तो हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में जब सर्वाइव होगा, जब मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे काम करेगा कोई फर्म, तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे जहाँ वेयर वेयर फर्म विल वर्क, उसी को अगर मिनिमम कॉस्ट के पॉइंट को अगर लोकल मार्केट कंबाइन करें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारे पास आती है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास, हमको लॉन्ग रन के लिए और क्या चाहिए, लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट वो भी है हमारे पास, तो अब क्या होगा एम सी, तो अब इसमें रूल चेंज हुआ नहीं, रूल इज रूल, सो एम सी इक्वल्स टू एम आर मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है दोस्तों, क्योंकि यहाँ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिन रिवेन्यू को कट कर रही है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग हम अभी प्राइस देखेंगे, प्राइस किस पे जाएंगे, एवरेज रिवेन्यू पे, लगा दीजिए लाइन, खींच दे दीजिए लाइन, ओके। तो फिर आ गया हमारे पास पी टू, पी टू के पास अब हमारे पास आ गया कि यहाँ पे प्राइस है, पी टू इज योर प्राइस एट कोरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेट टेक इट ए, ओके। सो पी टू हमारा प्राइस आ गया, फिर आप बोलेंगे ठीक है प्राइस आ गया, हम कॉस्ट का डिफरेंस, क्योंकि हमको डिफरेंस देखना है पी माइनस ए सी में, तो हमको चाहिए पी टू, हमको प्राइस मिल गया। अब एवरेज कॉस्ट का है, एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे, एस पॉइंट पे है, सो एस पॉइंट पे हमको कॉस्ट मिल गई, पी टू पे प्राइस मिल गया, तो कौन ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, तो पी टू माइनस ए सी पॉजिटिव आ गया, तो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट कर गया, यानी कि एल एल एम एस पी टू, ये जो एरिया है ना आपका एल एम एस पी टू, एल एम एस पी टू, ये जो एरिया है आपका, ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। आप बोलोगे कि यार ठीक है परफेक्ट मार्केट में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करते हैं, बट इन शॉर्ट रन व्हाट, व्हाई नॉट इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द मार्केट, ठीक है, सो कंप्यूटर विल कम टेक अवे द प्रॉफिट, द नॉर्मल प्रॉफिट विल अराइज, दैट इज योर कार्ड नॉर्मल प्रॉफिट। सो बट इन केस ऑफ मोनोपोली देर इज रेस्ट्रिक्शन फॉर कंप्यूटर टू एंटर इन द मार्केट, सो देर फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन टू, ओके दोस्तों। हाँ बोलेंगे ठीक है भाई करेक्टरिस्टिक कर लिए, ये कर लिए, अब आपने बोला था कि भाई स्पेशल करेक्टरिस्टिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो आपको मोनोपोली में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड आल्सो प्राइस डिफरेंशिएशन। आपने बोला ठीक है प्राइस डिफरेंशिएशन, आपने बोल दिया कि भाई द मार्केट कंडीशन व्हेन द सेल्स ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स और सर्विस एट डिफरेंट प्राइसेस आर डन बाय द सेम सेलर, मतलब कि एक प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट आप प्राइस पे बेच रहे हो, ठीक है, यही आपका
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आप भैया बोलोगे ठीक है भैया, आप बता रहे हो, ये तो कंसेप्चुअल बात होगी, आप असल में दिखाओ, असल जिंदगी में कहाँ है। असल जिंदगी में दोस्तों इकोनॉमिक्स आपकी हर जगह है। आपको दिखाऊं एग्जांपल तो बोलता हूँ, आप मान के चलिए एक कॉलेज में हो, एक यूनिवर्सिटी में हो, आसपास आपके हैं होटल्स मोटल्स जहाँ पे आप खाना खाने जाओगे, डिनर करने जाओगे। तो दोस्तों क्या होता है जनरली, जिसके वो यहाँ पे जो आसपास होटल होते हैं ना, इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि आपके पास अगर इस कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको 10% 15% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दूँ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी कॉलेज या जो भी होटल वगैरह हैं वो 10 या 15% तक डिस्काउंट देंगे अगर आपके पास BHU का आईडी कार्ड हुआ। कि कभी सोचा ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, कभी सोचा? नहीं सोचा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर इन जनरल लाइफ, जस्ट नीड टू कंसीडर द पॉइंट। ओके, दैट इज योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल दे चुका मैं आपको अभी। फिर आपको दोस्तों तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, कैसे डिवाइड करेगा? बेसिकली द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, मे बी सेक्स, मे बी एज, मे बी लोकेशन, मे बी क्वांटिटी दे परचेज। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पे इनको मार्केट को आप क्लासिक जो मोनोपोलिस्ट होगा वो डिफरेंट उस पर कस्टमर को डिवाइड कर देगा। तो उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इफ़ यू आर मीन्स अगर बंदा आपके पास नोन है, अगर आपके पास पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, उसको आप कम प्राइस पे सामान दोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लोकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा दोस्तों, कि आप लोकल में आप सस्ते में बेच रहे हो, बट आउट ऑफ लोकल एरिया यू आर सेलिंग एट द हाई प्राइस। ठीक है, लो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग। कोई रियल लाइफ एग्जांपल, हाँ है ना, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, आप होम के लिए भी ले रहे हो, आप इंडस्ट्री के लिए भी ले रहे हो, लेकिन जो होम और इंडस्ट्री का है ना, वो दोनों में आपको जो पर यूनिट जो चार्ज देने पड़ते हैं वो डिफरेंस होते हैं। यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टाइम, ओ माय गॉड, टाइम इज आल्सो इंक्लूडेड। यस, टाइम इज आल्सो इंक्लूडेड, लाइक एयरलाइंस। If you done ticket 6 or 3 or 4 months whatever भी 4 months before the ticket or the plane, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको जो दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर वही दोस्तों आप 1 या 2 दिन पहले करो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अकॉर्डिंग टू टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया यहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, फिर आप चलेंगे डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब भाई डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हो रहा है, सब देख रहे हैं। अब इकोनॉमिस्ट आया, भाई पिगो आया, ACPGO PIGOU, ये बोला कि क्यों हो रहा है भाई, हम मैं तो इकोनॉमिक्स हूँ, मेरे को जानना है। तो उसने क्या बोला, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कवर कर दिया। तो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ओके, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये टॉर्चर टाइप है। थर्ड डिग्री टॉर्चर ज़्यादा होगा? नो दोस्तों, एज यू आर इंक्रीजिंग द डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज गोइंग टू इंक्रीज, मीन्स कंज्यूमर सरप्लस आपके पास बच जाएगा। अब बोले कंज्यूमर सरप्लस क्या होता, कंज्यूमर सरप्लस बताता हूँ दोस्तों अभी आपको आगे। तो पहले चलेंगे हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यार आप क्या बात कर दीजिए, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोल दिए, परफेक्ट भी बोल दिए, क्या बात कर रहे हैं यार, पागल हो क्या? नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल सही हूँ। परफेक्ट क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है दोस्तों, इसका एक मेन पॉइंट होता है कि इट इज़ डन टू रिड्यूस यूर कंज्यूमर सरप्लस और टेक अवे द कंज्यूमर सरप्लस। तो दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस आप बोलोगे कंज्यूमर सरप्लस को लेने के लिए होते हैं, इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस बचता ही नहीं है कंज्यूमर के पास, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो डैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब बोला कि आप कंज्यूमर सरप्लस बोल जाए, बताओ तो ये दोस्तों मैं आपको आगे कवर करूँगा, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस विद इट्स न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल इज मेन इन द इन दैट टॉपिक। ओके, तो तब तक आप ये जान लीजिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है दोस्तों, कि मैक्सिमम वो कितना पे कर सकता है, ठीक है, और वो एक्चुअल में कितना मार्केट में पे कर रहे हैं, इससे के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आप कंज्यूमर सरप्लस जीरो कैसे रिड्यूस कर दिया, बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट चार्ज इच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस ही इज विलिंग टू पे। माने तो कि जो मैक्सिमम प्राइस ही इज विलिंग टू पे वही उसको चार्ज कर दिया। मान के चलिए आप ऑक्शन में गए, आपको पेंटिंग खरीदना था, आई बोला 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है, अब बोला 3 लाख तक वो पे कर सकता था, ठीक है, अब और उसने 3 लाख बोले 10 10 10 हो गया,
एक ऑप्शन हो गई, पेंटिंग बिक गई और वो 3 लाख तक पे कर सकता था और उसने मार्केट में कितने किए, 3 लाख पे कर दिए। तो क्या होगी कि दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट मैक्सिमम एक्सप्लोइट करता है दोस्तों कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस बचता ही नहीं है। फिर आता है दोस्तों सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है दोस्तों कि ये ना प्राइस पर यूनिट या फिर डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब कि आप रिटेल में ले रहे हो तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, होलसेल में ले रहे हो तो आपको सस्ता मिलेगा, बल्क में परचेज कर रहे हो तो आपको थोड़ा लो प्राइस पे देंगे। यही है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको बोलते हैं हम ब्लॉक प्राइसिंग सिस्टम, क्योंकि ये ना ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं मार्केट को बेस्ड ऑन द हाई डिमांड और लो डिमांड, कि भाई यहाँ पे हाई डिमांड है यहाँ पे लो डिमांड है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में आपको डिवाइड कर देगा मार्केट को। तो उसमें क्या होगा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या होगी कि आपका जो डिमांड है ना परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए। बिकॉज अगर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हुआ, अगर आपने हाई प्राइस दे दिया तो वो क्या करेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं भाई हमको नहीं लेना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों सेकंड डिग्री थोड़ा ठीक रहता है, कंज्यूमर सरप्लस 0 नहीं होता, कुछ तो बचेगा एटलीस्ट, ठीक है। फिर आता है आपको दोस्तों थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री में क्या होगा, थर्ड डिग्री में थोड़ा और हल्का हो गया, मीन्स देयर इज कंज्यूमर सरप्लस विल बी मोर, ओके, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन, मोर कॉमन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत मोस्ट कॉमन है दोस्तों। एंड इसमें क्या करता है दोस्तों, इसमें क्या करता है बेसिकली दो मार्केट में डिवाइड कर देता है, M1 M2, ठीक है। किस बेस पे डिवाइड करता है, इलास्टिसिटी पे। मान के चलिए इलास्टिसिटी ऑफ 1 इज मोर देन द इलास्टिसिटी ऑफ 2, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब मार्केट 1 इज इलास्टिसिटी ऑफ 2। अगर यहाँ पे दोस्तों इलास्टिक है और यहाँ पे इन इलास्टिक हुआ, मतलब रिड्यूस हुआ, तो अगर यहाँ पे मैं हाई प्राइस भी कर दूँ, इफ आई पुट हाई प्राइस हेयर देन देयर स्टिल द मार्केट डिमांड इज एग्जिस्ट, बट अगर इलास्टिक है, अगर मैं हाई प्राइस कर दूं तो लो डिमांड हो जाएगा, सो हेयर आई पुट लो प्राइस। सो दोस्तों यहां से हमको क्या पता लगा कि इलास्टिसिटी इनवर्सली पल्लू प्राइस के इन केस ऑफ सब मार्केट्स, मीन्स अगर जहां वेयर इलास्टिसिटी इज लेस और इन इलास्टिक देयर प्राइस विल बी हाई, ओके। द मोनोपोलिस्ट ट्राई टू पुट द हाई प्राइस इन द इन इलास्टिक मार्केट, ओके। उसके बाद चलते हैं नेसेसिटी कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट क्या कंडीशन होगी। पहली बात तो दोस्तों कि पहले तो सब मार्केट में इनको डिवाइड कर सकते हैं एक मार्केट को, ठीक है। और जो होता है रीसेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एक मार्केट से दूसरी मार्केट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी परचेज फ्रॉम द लो प्राइस एंड सेलिंग द हाई प्राइस मार्केट, ओके। ये दो कंडीशन है मेन। उसके बाद चलेंगे हम आके, अब बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे आ गए भाई। इक्विलिब्रियम हमने मोनोपोली में देख लिया, इसमें देख लिया, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में निकाल के दिखाइए भाई। निकाल लेंगे दोस्तों, क्या कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी, इसमें कोई चेंज आया, बस कोई चेंज नहीं है दोस्तों। यही चेंज आया कि सब मार्केट में डिवाइड हो गया, बट उनका जो मार्जिनल रिवेन्यू है ना दोनों मार्केट का, MR1 और MR2 एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे के भी इक्वल होने चाहिए, एंड ऑल्सो दे शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हाउ, तो दोस्तों अब देखते हैं फर्म के लिए, अब हम मतलब इक्विलिब्रियम निकालेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। तो मार्केट ए मार्केट बी ये है कंबाइन, तो मार्केट ए में एवरेज रिवेन्यू देखा, एवरेज रिवेन्यू का डिमांड करो चाहिए, डिमांड करो चाहिए भाई, डिमांड करो पहले थोड़ा अलग था फिर थोड़ा सेम हो गया, तो सेम था उसको दोनों कंबाइन कर दे तो एवरेज रिवेन्यू ये दो है, दोनों का कंबाइन आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों MR इक्वल टू MC, तो जो भी MC का होगा वो उसको हम MR भी लिख दिए, तो जैसे भी करके अब यहाँ किस पे कहाँ पे कट हुआ, E पे, सो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ई इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, मैंने जब बोला प्राइस और इलास्टिसिटी में डिफरेंस बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो, ध्यान रखिएगा। और एक है ये, इस फॉर्मूले से आपके पास इसमें UGC में क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल है। या इलास्टिसिटी दे देंगे, प्राइस दे देंगे, मार्जिन रिवेन्यू प्राप्त कीजिए, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। या फिर क्या बोलेंगे, क्योंकि प्राइस को बोल सकते हैं हम एवरेज रिवेन्यू, तो एवरेज रिवेन्यू 1-1 डिवाइड बाई MR इक्वल्स टू AR 1-1 डिवाइड बाई E, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई, तो आप बोल देंगे एवरेज रिवेन्यू निकालिए, आपके पास E दे दिया है और MR दे दिया है, ठीक है, तो आप निकाल दीजिएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, इससे यूजिस में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत टाइप आएगा भी, बिकॉज इट्स सिंपल फॉर्मूला, दे वॉन्ट दैट यू आर रिमेम्बरिंग द रिलेशन और नोट, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्तों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मार्केट 1 मार्केट 2 में MR1 निकालिए, MR2 निकालिए, दोनों को अब हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर प्राइस के आपस में जो रेशियो होगा वो निकाल लेंगे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बट फॉर्मूला ये है, ये बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको बार बार बताई दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डेड वेट लॉस, अब दोस्तों डेड वेट लॉस है क्या,
तो डेट विट तुम यार कुछ अलग सा, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और है। तो मीनिंग होता है दोस्तों द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डिस्टोर्शन इन द रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन और सोशल वेलफेयर में जो रिडक्शन या डिस्टोर्शन होते हैं ना ड्यू टू मोनोपोली मार्केट, वो होगा डेड वेट लॉस। अब इसको कंसीडर कैसे करेंगे, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा मोनोपोली मार्केट में, तो कंज्यूमर सरप्लस जितना कम बचेगा या जितना जो भी होगा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस जितना होगा वही आपका डेड वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोस्तों ये कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए है, ध्यान रखिएगा ये वाला करो कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए है। और इस करो से आपके आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि या तो आपके पास इंक्रीजिंग कॉस्ट का या डिक्रीजिंग कॉस्ट का या कॉन्स्टेंट कॉस्ट का, आप बोलेंगे इस करो में आप ये बताइए कि विच एरिया एम के एल ए पी के जो भी है वो ऑप्शन में दे देंगे कौन सा डेड वेट लॉस है। तो दोस्तों इन केस ऑफ दिस एम के एल इज अ डेड वेट लॉस। कैसे, पहले ने बोला कि जो परफेक्ट मार्केट है ना दोस्तों, परफेक्ट मार्केट प्रोड्यूस करेगी किस पे, क्यू टू पे। क्यू टू इज द आउटपुट, पी वन इज द प्राइस, ठीक है। तो इतना वो प्राइस पे कर पा रहे हैं किसमें, परफेक्ट मार्केट में। बट वो कितना पे कर सकते हैं, तो कितना पे करते हैं, कितना प्राइस देखिए कहाँ तक मैक्सिमम हो पा रहा है, ए पॉइंट तक मैक्सिमम हो पा रहा है, मतलब कि वो प्राइस इतने एरिया का वो प्राइस पे कर सकते हैं, वो कितना पे कर रहे हैं इतना। तो मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं वो दोस्तों, इतना, ठीक है। मान के चलिए ए एल क्यू टू ओ, ए ओ क्यू टू एल, ये सब मैक्सिमम प्राइस है। और माइनस कितना प्राइस वो पे कर रहे हैं, पी वन ओ एल क्यू टू। तो बाकी जो बचा हुआ आपके पास ए पी वन और एल, ये आपका आ गया कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ दिस परफेक्ट मार्केट। अगर वो ये मोनोपोली में चले गए तो क्या दोस्तों, दे आर प्रोड्यूसिंग एट द क्यू वन एंड हाई प्राइस पी टू। अब दोस्तों अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है भाई इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या मैक्सिमम प्राइस कितना पे कर रहे हैं दोस्तों, इतना पे कर रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ यहाँ तक वो पे कर रहे हैं। और मैक्सिमम प्राइस कितना ए है, तो इसमें क्या कंज्यूमर सरप्लस आपका रिडक्शन हो जाएगा दोस्तों। कंज्यूमर सरप्लस रिडक्शन होने के बावजूद क्या होगा, आपके पास जो बचेगा एरिया वो बचेगा दिस वन पी टू एम एल पी वन। अब इसमें से दोस्तों ये वाला जो एरिया है दोस्तों वो मोनोपोलिश लेकर चले जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया आपको पता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया रहता है, आपको बता चुका हूँ। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों प्लीज़ गो थ्रू माई लास्ट वीडियो, गेट थ्रू इट, बिकॉज एवरी थिंग इज इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चला गया लेके, तो कितना बचा है, एम के एल इज द ये जो एरिया बचा, ये ना तो कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास गया, तो ना कंज्यूमर के पास गया ना प्रोड्यूसर के पास गया, तो ये कहाँ गया, खो गया, ठीक है, खो गया आसमां, खो गया ये जहाँ, राइट। तो एम के एल इज द डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस क्या हो गया दोस्तों, एम के एल। और इस कर्व से आपको क्वेश्चन आ सकता है, दे विल गिव यू इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट, उसके बेस बोलेंगे विच एरिया रिप्रेजेंट द डेड वेट लॉस, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं रिवीजन में, बिफोर गोइंग टू रिवीजन मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, अगर दोस्तों आप जनरल एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्वीज नोट्स वगैरह जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है agriculturexam.com का, उस पर जाइए, वहाँ पे आपको बेस्ट नोट्स बेस्ट वो मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिविजन टाइम पर चलेंगे, ठीक है दोस्तों, लेट्स गेट मोर कम्पिटिटिव, ओके। तो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस रिंग, तो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा दोस्तों, कि भाई आपको ना वो ना मार्केट को आप सेगमेंटेड कर दीजिएगा इलास्टिसिटी के थ्रू। तो डायरेक्ट सेलिंग पे तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे तो अलग अलग चार्जेस थे। तो यहां पे होगा रेलवेज, सो रेलवे में होता है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आई टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स, अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होगा, तो कहां पे होगा, इंक्रीजिंग कंज्यूमर सरप्लस, नो, टू डिक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस, यस, पर्पस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द टू डिक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इसका आगे आपके पास आंसर बी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरिया ऑफ द इम्परफेक्ट मार्केट से मोनोपोली सिचुएशन, यार आप सोच रहे हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने बता चुका आपको कि रूल इज द रूल, कोई भी चेंज नहीं होगा, वेयर एम सी इक्वल्स टू एम आर, दैट एट दैट पॉइंट यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, और इट इज यू आर गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। सो एम सी इक्वल्स टू एम आर, मार्जिन कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिन रिवेन्यू, बिकॉज अगर उसके बाद आप उसके बाद प्रोड्यूस करोगे तो लॉस कंडीशन में चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों इन मोनोपोली मार्केट द ए आर कवर्स लॉस डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज क्या दोस्तों, ए आर कर्व कहता है डिमांड कर्व को फॉलो करता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या बोलता है कि मोर आउटपुट लेस आउटपुट, अगर मान के चलिए ये प्राइस है ये क्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि मोर आउटपुट इज सोल्ड एज द लेस प्राइस, ठीक है। तो ये इसका मतलब है
लाव डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी भी, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हुआ तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? लेस आउटपुट है सोल्ड लेस प्राइस, नो, मोर आउटपुट सोल्ड लेस प्राइस, यस इट इज द आंसर। तो उसका चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इलास्टिसिटी डिमांड इन अ मोनोपोली मार्केट? हाउ माई गॉड, मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन, प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों आज का इतना ही, दोस्तों आपको कैसे लगा ये, आपको जो मेरा लेक्चर है कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिए। एंड दोस्तों इसके बाद हम आपके पास वीडियो बनाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेके आएंगे, बहुत आएगा, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच, थैंक दैट्स फॉर टुडे रीजन, ओके दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे, ओके बाय बाय।